स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 180 जनरल साइंस चैप्टर फ्रिक्शन। आवर टुडे सब टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एनेबल्स ए कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग कार। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू राइट एंड ड्रा ऑन पेपर। ये दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, उन्हीं के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन इनेबल्स ए कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। फ्रिक्शन की बदौलत एक कार रोड पे चल सकती है विदाउट स्किडिंग, क्योंकि जो जब इंजन एक कार को व्हील्स को रन करवाता है, टायर्स पुश करते हैं रोड को बैकवर्ड्स एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड, द फ्रिक्शन मूव फॉरवर्ड ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। यानी कि बैकवर्ड इस टायर्स बैकवर्ड पुश करते हैं रोड को एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड। ये जो फ्रिक्शन है टायर ऑफ कार एंड द सरफेस ऑफ रोड, ये इस तरह एक्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बचाते हैं इसको स्किडिंग होने में। इस तरीके से फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है फॉरवर्ड फोर्स और कार को ड्राइव विच ड्राइवर्स द कार। अगर फ्रिक्शन नहीं होती हैं कार टायर्स और रोड के दरमियान, तो जो व्हील्स हैं कार के वो स्पिन होते हैं एक ही जगह पे एट द सेम प्लेस, बट कार वुड नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल। ये कार एक ही जगह स्टे करती हैं, तो फ्रिक्शन की बदौलत ये कार आगे चल सकती हैं, आगे रन कर सकती हैं। इसी तरह फ्रिक्शन एनेबल करता है एक बाइसाइकिल को वो मूव करता है अलॉन्ग ए रोड, जिस तरह ये कार रोड पे चलती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दियर टायर्स एंड द सरफेस ऑफ रोड। इसी तरह जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और स्लो डाउन और स्टॉप करते हैं एक मूविंग कार को, ये जो ब्रेक्स होती हैं एक कार की, ये काम करते हैं फ्रिक्शन की वजह से। इन्हें डिस्क ब्रेक, एक स्टील डिस्क जो होती हैं वो अटैच होती हैं पीछे हर एक कार के व्हील स्पिनर्स के साथ बिटवीन टू स्मॉल ब्रेक पैड्स। जब ब्रेक अप्लाई की जाती हैं और एक रनिंग कार बाय पुशिंग द ब्रेक पैडल, द ब्रेक पैड्स प्रेस अगेंस्ट द डिस्क्स ऑफ द रोटेटिंग कार व्हील्स। दिस प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स ब्रेक पैड्स एंड द डिस्क्स। इस तरह से जो व्हील्स हैं वो स्लो डाउन होते हैं और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाते हैं। इसी तरह जब ब्रेक्स एक साइकिल जो है वो भी काम कर वो भी वर्क करता है बाय फ्रिक्शन। जब एक साइकिल रनिंग होता है, जब ब्रेक्स अप्लाई की जाते हैं इस साइकिल के, देयर इज़ ए गैप बिटवीन देम, बट व्हेन द प्रेस द ब्रेक लेवल टू अप्लाई ब्रेक टू द रनिंग बाइसाइकिल, जो ब्रेक्स ब्रेक पैड्स होते हैं वो रब करते हैं रिम्स ऑफ द बाइसिकल व्हील्स, और जो फ्रिक्शन होती हैं ब्रेक पैड्स और रिम प्रिवेंट्स द व्हील फ्रॉम मूविंग अहेड। ये इस व्हील को आगे नहीं चलने देता है। ड्यू टू दिस जो रनिंग बाइसिकल हैं वो स्लो डाउन हो जाता है, फाइनली स्टॉप हो जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती है तो एक व्हीकल जब स्टार्ट हो जाता है तो कभी स्टॉप होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि जो ब्रेक्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे फ्रिक्शन के बगैर। इन फैक्ट हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड, द व्हीकल्स कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड। व्हीकल्स न तो स्टार्ट होते हैं और न स्टॉप होते हैं आर टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और न जो डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हीकल्स करते हैं, चाहे कोई भी व्हीकल हो, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो चेंज करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यानी जो फ्रिक्शन है इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में,
इसी तरह फ्रिक्शन जब हम स्कूलों में या हम घरों में किताबों पे लिखते हैं, राइट करते हैं या ड्रा करते हैं पेपर पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। थैंक्स।